बेबी केक काउंटिंग। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है बच्चे के मूवमेंट्स और उसकी काउंटिंग, क्यों की जाती है ये काउंटिंग, क्यों आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि बच्चा कितना घूमता है कितना नहीं घूमता है, उसका ध्यान रखिए। सो बच्चे का घूमना किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए एक बहुत ही सुखद, बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस होता है, जो कि यूजुअली एक प्रेग्नेंट फीमेल को जिंदगी भर याद रहता है वह सुखद एक्सपीरियंस। तो आज हम यही जानेंगे कि किस प्रकार के बेबी मूवमेंट्स होते हैं, कम हो जाते हैं तो उसका क्या कारण रहता है, कब हमें उसके टेंशन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा है तो उसका क्या कारण होता है। सो कब चालू होते हैं ये बेबी मूवमेंट्स, बच्चा घूमता है ऐसा कब आपको पता चलता है? यूजुअली 16 से 22 हफ्ते के बीच में यह मूवमेंट्स महिला को पता चलने शुरू होते हैं। कभी कभी किसी में एक दो सप्ताह अधिक भी लग सकते हैं, यानी कि 24 हफ्ते तक भी आपको पता चले तो चलता है, उसे भी हम नॉर्मल कहते हैं। रफली मैं महीनों के भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगी रफली 5 महीने के समय पे एक महिला को पता चलता है कि बच्चा घूमना शुरू हो रहा है। इसमें वह महिलाएँ जो पहली बार माँ बन रही हैं डेफिनेटली उनको थोड़ा लेट पता चलता है, और जो पहले माँ बन चुकी हैं यानी जिनका ऑलरेडी एक बच्चा है या एक या दो बच्चे हैं, उन्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा से होता है, तो वह उनको थोड़ा जल्दी पता चलने लग जाता है कि बच्चा घूम रहा है। पर यूजुअली ये टाइम हम 16 से 22 हफ्ते के बीच का मानते हैं। कभी कभी महिलाएं हमें 8-10 हफ्ते पे ही बोलती हैं, 2 महीने की ही प्रेगनेंसी में बोलती हैं कि हम तो पता पड़ता है कि भाई बच्चा घूम रहा है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, उस समय पर जो आपको मूवमेंट्स परसीव होते हैं वो एक्चुअली मूवमेंट्स नहीं होते, वो जस्ट गैस के कारण आपको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, और जब सही समय आता है यानी कि जब आप 18-20 हफ्ते तक पहुंचती हैं तब एक्चुअली आपको पता चलता है कि बच्चे का घूमना किसे कहते हैं, बच्चे की किक्स क्या होती हैं। बच्चे का घूमना अलग अलग तरीके का हो सकता है, मून किक्स अलग अलग तरीके की हो सकती है, यानी कि बच्चा पूरा घूम सकता है, बच्चा सिर्फ हाथ मारे पैर मारे, सिर्फ टर्न हो ट्विस्ट हो, ऐसा हो सकता है। तो हम इन सभी मूवमेंट्स को बेबी किक के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन जो हिकअप्स होते हैं, कभी कभी बच्चा अंदर हिचकी भी लेता है, महिला कहती है कि मुझे पता चलता है कि बच्चा अंदर हिचकी ले रहा है, तो उसको हम मूवमेंट्स की काउंटिंग के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स हमने पाया गया है यूजुअली इवनिंग के वक्त या रात के समय में। पेशेंट कहते हैं कि रात में डॉक्टर साहब बच्चा ज़्यादा घूमता है, या फिर जब आपने कुछ खाना वाना खाया हुआ है या कोई स्वीट ड्रिंक पिया है उसके बाद भी बच्चा ज़्यादा घूमता है। तो रात के घूमने का तो डेफिनेटली, क्योंकि सराउंडिंग की जो नॉइस होती है वो थोड़ी कम होती है, आपका भी काम वगैरह ख़त्म हो जाता है, थोड़ी फुर्सत होती है, हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं उसी चीज़ के ऊपर। हर बच्चे का मूवमेंट का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, हर प्रेगनेंसी में एक अलग तरीके का पैटर्न होता है, हर महिला का कुछ पैटर्न होता है। कि कोई कहता है कि मेरा बच्चा एक बार में 4-5 बार टर्न कर जाता है, तो कोई कहता है कि टैपिंग क्या तरह ज़्यादा लगता है, या किसी किसी महिला का कहना है कि मुझे तो मूवमेंट्स बस रात को ही ज़्यादा फील होते हैं या उसी टाइम ज़्यादा रहते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहे कि मुझे तो दोपहर को ज़्यादा पता चलते हैं, दोपहर को जब मैं रेस्ट करती हूँ खाना वाना खा के तब पता चलते हैं। तो हर पैटर्न एक नॉर्मल पैटर्न है, सभी बच्चों का एक अलग स्पेसिफिक पैटर्न होता है, लेकिन उस पैटर्न से अगर किसी भी प्रकार का डेविएशन हो रहा है यानी कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नोट करने चाहिए। अब ये मूवमेंट्स हम किस तरह से इनकी गिनती करते हैं और कितनी गिनती को हम इसको नॉर्मल और किसको हम एबनॉर्मल मानते हैं? तो डॉक्टर आपका आपको कह के रखता है कि आप बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान रखिए, पर ध्यान रखने का क्या मतलब है? कितनी बार घूमने को हम नॉर्मल कहेंगे और कितनी बार घूमने को हम एबनॉर्मल कहेंगे? तो बेसिकली हम ये कह के रखते हैं कि आप गिनिए 10 काउंटिंग, 10 मूवमेंट्स जब तक हो तो उसमें आपको कितना समय लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 घंटे का समय लगना चाहिए, 2 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। एक और चीज़, जब हम कहते हैं कि आप कितनी बार बच्चा घूम रहा है उस चीज़ को काउंट कीजिए, तो उसका मतलब ये होता है कि आप सब काम वाम छोड़ के रेस्ट करते हुए लाइन डाउन पोजिशन में या फिर बैठे वो भी चलेगा, लेकिन कोई और काम में बिजी ना हो आप उस टाइम पे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना बना रही हैं या अपना घर का कुछ और काम कर रही हैं और फिर साथ में आप मूवमेंट्स का टाइम देखना चाह रही हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दिमाग कहीं और चला जाता है, तो फिर वो जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि बच्चा 2 घंटे में नहीं 3 घंटे में घूमा, और फिर फालतू में टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो जिस टाइम पर आप बच्चे के मूवमेंट्स नोट करेंगे, अपना सभी काम बंद कर दें, शांति से लेट जाएँ, कुछ खा पी के लेटे तो और भी अच्छा, और फिर नोट कीजिए
कि कितना मिनट या घंटा लग रहा है बच्चे के 10 मूवमेंट्स होने में। कोई कह सकता है आधा घंटा लगता है, किसी को पौन घंटा लगता है, पर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का समय। पर सपोजिटली 2 घंटे में भी बच्चा 10 बार नहीं घूमा, तब क्या करना है? दौड़ के अस्पताल पहुंच जाए, क्या किया जाए? तब हम क्या करेंगे, उठ के एक चक्कर लगा के आइए, कुछ जूस वगैरह पी लीजिए और फिर वापस से एक बार काउंटिंग शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपने जब उस समय पे बच्चे का मूवमेंट्स को चेक करने की कोशिश की, हो सकता है कि उस समय बच्चा बस सो रहा हो, सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन बस बच्चा सो रहा हो और हम हर छोटी चीज़ में टेंशन लेंगे तो आपके और आपके बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप एक तो चक्कर मारिए, थोड़ा घूमिए, कुछ ड्रिंक वगैरह लीजिए, कोई जूस वगैरह लीजिए, उसके बाद वापस से एक बार काउंट कीजिए। अब अगर बच्चा 2 घंटे में 10 बार घूम रहा है, यानी कि 10 बार घूमने में 2 घंटा या 2 घंटे से कम का समय ले रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर से आपको लग रहा है कि बच्चे को घूमने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया, 10 बार घूमने में, 10 किक्स होने में, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब आप पहुँचेंगे तो वो आपका NST टेस्ट करेंगे। NST एक बच्चे की धड़कन के लिए किया जाने वाला एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जिसे हम हमारी भाषा में नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं बच्चे की धड़कन के, कि बच्चे की धड़कन बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, जिसके हिसाब से हम कहते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करें। तो आपके लिए क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक तो मूवमेंट्स की गिनती और दूसरा पैटर्न। हर महिला को पता होता है वो स्पेसिफिक पैटर्न। तो अगर आपके दिल में ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ एबनॉर्मल है, आज मूवमेंट्स का जो तरीका है वो नॉर्मल से कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ टेंशन जैसा लग रहा है मुझे, तो आपको आपके डॉक्टर को बता देना चाहिए। उसमें शर्माइए नहीं, उसमें चिंता नहीं कीजिए, बताने में कोई नुकसान नहीं है। आपके डॉक्टर बता देंगे कि ये नॉर्मल है ये एबनॉर्मल, क्योंकि ये इकलौती वह चीज़ है जिसके द्वारा आपको पता पड़ता है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर बच्चे की क्या स्थिति है। हम सारे टाइम तो सोनोग्राफी नहीं कर सकते या सारे टाइम तो 24 घंटे बच्चे की धड़कन नहीं सुन सकते, लेकिन ये इकलौती वो चीज़ है जिससे हमें ये आइडिया रहता है, प्रेग्नेंट फीमेल को ये पता चलता है कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी कभी अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम हो सकती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण की मूवमेंट्स कम हो जाए। और हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचे तो आपके डॉक्टर कहें कि अभी डिलीवरी कराने की ज़रूरत है या सिजेरियन करने की ज़रूरत है। सो फीटल मूवमेंट्स इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट वस्तु है जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी पेशेंट्स हमसे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मूवमेंट्स बढ़ गए हैं, अभी एकदम बहुत तेज मूवमेंट हो रहे हैं, तो क्या इसमें कोई चिंता की बात है? तो मूवमेंट्स बढ़ जाना यानी कि ज़्यादा मूवमेंट्स, तो एक और चीज़ कि अगर ये इनिशियल स्टेज में है, यानी कि अभी 26 हफ्ते ही हुए हैं, 28 हफ्ते ही हुए हैं, पूरा टर्म टाइम नहीं है, तो हो सकता है कि आपको मूवमेंट्स ज़्यादा परसीव हों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो बच्चा भी अच्छे से घूमता है। लेकिन अगर आप पूरे 9 महीने पे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है मूवमेंट्स का, 37-38 हफ्ते हो चुके हैं और फिर एक दिन आपको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन मूवमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वह भी फीटल डिस्टर्स यानी कि अंदर बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है उसका एक साइन हो सकता है। आपके डॉक्टर NST टेस्ट करके देखेंगे, कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताने में कोई नुकसान नहीं है अगर मूवमेंट्स का पैटर्न सिग्निफिकेंटली बदल रहा है। तो बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखिए। 10 मूवमेंट्स होने में 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, अगर लग रहा है तो थोड़ा सा घूम लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर भी उसके बाद भी समय लग रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।